नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्की मंडली घर में। दोस्तों अभी हम आए हैं ग्राम थावड़ी में विजय विश्वकर्मा जी के घर पर। यहाँ कहीं कोई सांप निकला हुआ है तो वहाँ जाके देखते हैं कि कहाँ घुसा है सांप और उसको निकालते हैं सुरक्षित, और कौन सा सांप है आपको जानकारी देखते हैं। वीडियो में बने रहिए आखिरी तक और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किधर घुसा है अभी और फिर निकला था क्या? नाली है क्या? इतना लंबा कुछ निकल गया और वहां से फिर और घुस गया, इसमें क्या हल्का सा छेद होना चाहिए। यह है ना, ऊपर से देखा तो बोरी के वहां तक क्या आ गया था। तो इधर से निकला कि इधर से निकला? इधर से निकला, इधर से है ना। तो ये यहां पे, वो यहां कहीं है। अरे तो यार फिर फोड़ना पड़ेगा इसको। तो देख लो ना, फोड़ लो तो सब बले है ना। कौन सा है, कुछ आइडिया है? कोबरे टाइप में दिख रहा था ऊपर से काला। मुंह बारीक था कि मोटा था? बारीक था। नहीं यार मोटा होगा। अब देख करो ना, अब हो सकता है बॉडी भी उसकी बारीक हो गई अंदर। चलो ठीक है, निकाल रहे हैं भैया। अब भैया दिख रहा है पीछे की ओर खसक रहा है। फोड़ फोड़ बेटा, ऊपर भी फोड़ फोड़। ये भी यहाँ बैठे हैं धीरे धीरे नीचे। बताए लड़की यार।
दोस्तों ये इंडियन रेड स्नेक जिसको कि धामन साहब कहते हैं और कई जगह इसको कोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है दोस्तों। अरे फंस चुका है, निकलने में तकलीफ जाएगी। इसने कुछ खाया हुआ भी है दोस्तों, आप देख सकते हो। लाओ कुछ जेल ना, जेल में हमें कॉल किया था हमारे भाई ये विजय विश्वकर्मा जो कि ग्राम थावड़ी में रहते हैं, आप देख सकते हो। इनके घर पे सांप निकला था प्लेन के नीचे का, तो अभी हमने इसको सुरक्षित निकाल लिया है। इसको देख करके और जाके इसके अनुकूल वातावरण जैसे कि जंगल एरिया, इसको हम रिलीज कर देंगे। बिना जहर का सांप होता है दोस्तों, और हमारे भारत देश में अंधविश्वास है कि धामन सांप के कुछ भी जहर होता है। पूछ में जा रहा था तो मैं तो मर जाऊंगा ऐसे में नहीं रहता, ठीक है, अंधविश्वास है। मेरे निकल दिखे बहुत ही प्यारा सांप है दोस्तों, ये हमारा किसान मित्र होता है अधिकतर। ये सांप में जहर नहीं पाया जाता है, आप इसको अपने घर घर में भी पाल सकते हैं। छोड़ देंगे दोस्तों, हमारा काम अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम ऐसा न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी करें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए।